फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, चिंटू भैया राजा गुरु। एक गीत हमारे चिंटू भैया का भी होगा मां साहब। हाँ जी, आ गया है फूलों को खिलने का मौसम, दुनिया के प्रेमियों के मिलने का मौसम, दिल के आसमां पे, दिल के आसमां पे गम की घटा छाई। सलीम बाबा, दिल के आसमां पे गम की घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई, इंसान की जात तो एक ही है चाहे धर्म का कर लो बंटवारा, मन में जो जरा प्यारे हो बाकी तो मर्म का कर लो बंटवारा, ईश्वर ने बनाया है सबको चाहे कर्म का कर लो बंटवारा, खून का रंग तो एक ही है चाहे धर्म का कर लो बंटवारा, चाहे धर्म का कर लो बंटवारा, चाहे धर्म का कर लो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा अस्त्र बिके और शस्त्र बिके, सम्मान बिक रहा पैसे में, अस्त्र बिके और शस्त्र बिके सम्मान बिक रहा पैसे, गीता और रामायण का ये ज्ञान बिक रहा पैसे में, व्यास जी के पास जाओगे भागवत करवाएगा जी तो बोली लगा दी जाती है अगर 1.5 लाख में होगी सात दिन की भागवत। गीता और रामायण का ये ज्ञान बिक रहा पैसे, पैसे की रह गई ये दुनिया, इंसान बिक रहा पैसे में, पैसा ही सब कुछ है, पैसे वालों लोग खरीद इसे भगवान बिक रहा पैसे में, भगवान बिक रहा पैसे में, भगवान बिक रहा पैसे में। ये लाइन मैंने इसलिए कही हमारे मथुरा वृंदावन में आना, छोटी छोटी बिहारी जी की मूर्ति उनकी भी बोली लगा दी जाती है, छोटे वाले बिहारी जी 150 के, बड़े वाले बिहारी जी लोगे तो 1000 रुपए के, लेकिन बिहारी जी एक जैसे। तेरी भावना में भावना, कितने बड़े बिहारी जी ले जा, जब मोहमेराम बगल में ईंटे तो कछु नहीं रहो, तेरी भावना में भावना वो भावना बेकार है, और बिहारी जी भी कहते हैं गर भाव से, ये 100 रुपए का अनंत पुरस्कार मेरे चाचा जी हमारे
गुरु सुल्तान खलीफा जी के छोटे भैया लाला चाचा देते हैं बारंबार चरणों में नमन वंदन है। तेरी भावना में भावना वो भावना बेकार है। बिहारी जी भी कहते हैं गर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कुभाव से देगा मुझे कुभाव से देगा मुझे सोना चांदी लूंगा नहीं। भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। वो भी मुझे स्वीकार है। वो भी मुझे स्वीकार है। बात चल रही थी पैसे की। पैसे की बात तो कलयुग में है लेकिन एक गीत मैं आप लोगों के चरणों में रखना चाहता हूं। हमारा एक रास्ता होता है जिसे इंसान सबसे प्रिय और सबसे सच्चा रास्ता मानता है पिता के और माता के बाद। वो रास्ता होता है भाई भाई का। लेकिन आज देखने के लिए क्या मिल रहा है नातेदार। भैया के जैसी प्रीत भैया के जैसी प्रीत जग में न पाई। भैया के जैसी प्रीत जग में न पाई। बना देखो दुश्मन भाई का भाई। बना देखो दुश्मन भाई का भाई। बना देखो दुश्मन भाई का भाई। भाई भाई की दुश्मनी हुई है तो उसमें भी एक कारण है। सुग्रीव राम जी से पहली दुश्मनी दिखा रहा हूं भाई भाइयों की। सुग्रीव राम जी से मित्रता न करता। राम जी के हाथों से वो बाली न मरता। राम जी के हाथों से वो बाली न मरता। राम जी के हाथों से वो बाली न मरता। बाबा ने भी लिख दिया है अनुज वधु भगिनी सुत नारी रे सतजे कन्या समचारी। इन्हें कुदृष्ट बिलोक है जोई ताए हने कछु दोष न हुई। वहां पर भी कारण था जो भाई भाई की दुश्मनी हुई। बा भैया ने भैया की बा भैया ने भैया की छीनी लुगाई। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है इसीलिए बना देखो दुश्मन भाई का भाई। बना देखो दुश्मन भाई का भाई। बना देखो दुश्मन भाई का भाई। दूसरा भाई क्यों दुश्मन बना। अपमानित किया सभा से अपमानित किया सभा से राज्य से भगाया। बिलखता हुआ राम की शरण में वो आया। बिलखता हुआ राम की शरण में वो आया। बिलखता हुआ राम की शरण में वो आया। मंदोदरी ने भी समझाया रावण को सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने हितै न होए संबज कीने। तो रावण क्रोध में बोला सुर रंजन भंजन में भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तय फिर जाए बैर हट करूं प्रभु सर प्राण तजो भव तरू। अगर वो नर है तो मेरे हाथों से मारे जाएंगे अगर भगवान है तो उनके हाथों से मेरी मुक्ति होगी।
फिर भी विभीषण को अपमानित किया गया। जब विभीषण भगवान राम के पास आया, पूरा भेद विभीषण ने भगवान राम को बताया। तो हर भाई भाई की दुश्मनी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बा भैया ने भाभी अपनी, विभीषण ने बा भैया ने भाभी अपनी विधवा बनाई, बना आज दुश्मन भाई का भाई, बना आज दुश्मन भाई का भाई, बना आज दुश्मन भाई का भाई। द्वापर युग में भाई भाइयों की दुश्मनी, सबसे बड़ी दुश्मनी कौन सी थी? अर्जुन और कर्ण। दुश्मनी कहां से शुरू हुई? द्रौपदी के स्वयंवर में करण जो न जाता, शूद्र पुत्र उसको ना वो अर्जुन बताता, शूद्र पुत्र उसको ना वो अर्जुन बताता, शूद्र पुत्र उसको ना वो अर्जुन बताता। जैसे ही करण मीन मारने को खड़ा हुआ, अर्जुन को पता था करण मीन को मार देगा। अर्जुन ने खड़े होकर के कह दिया, ये मीन मारने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये क्षत्रियों की प्रतियोगिता है और ये एक शूद्र पुत्र है। तो द्रौपदी ने कह दिया, बेशक करण मीन को मार दे, लेकिन मैं किसी शूद्र पुत्र के गले में अपनी भरमाला नहीं डालूंगी। उसी दिन से अर्जुन और कर्ण की दुश्मनी शुरू हुई। भैया ने भैया की, भैया ने भैया की फारी कराई, भैया ने भैया की फारी कराई, बना देखो दुश्मन भाई का भाई, बना देखो दुश्मन भाई का भाई, बना देखो दुश्मन। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइन, कलयुग में इंसान विश्वास करता है अपने खून पर, अपने भाई पर, लेकिन इस पैसे ने ऐसी दरार पैदा कर दी। कहना है खून के भी रिश्तों का, आज खून के भी रिश्तों का सपना नहीं है, अपना भी खून आज अपना नहीं है, अपना भी खून आज अपना नहीं है, अपना भी खून आज अपना नहीं है। ये गीत मेरे स्वर्गीय गुरु गुरु अशोक कुमार शर्मा जी ने लिखा था। आप लोगों ने आदेश दिया, सुल्तान खलीफा ने फरमाइश की, मैंने गाया। अगर गीत आपको वाकई पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की। एक शर्मा की, अशोक शर्मा की है ये कविताई, बना आज दुश्मन भाई का भाई, बना आज